नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में और साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। कई शहरों में 100 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल बिक रहा है। तेल कंपनियां अपने तेल के दाम बढ़ा रही हैं। विपक्ष ने इसी के साथ सरकार पर निशाना भी साधा है। पूर्व सीएम हुड्डा की सरकार से यह मांग है कि पेट्रोल डीजल के दाम घटाकर जनता को राहत दी जाए। तो लगातार पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उससे हाहाकार मचा हुआ है। हर ओर पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों की चर्चा हो रही है। कोई भी पक्ष चुप नहीं, आवाज जगह उठा, आवाज उठा रहे हैं और हर रोज पेट्रोल डीजल का कीमत बढ़ रही है और ये किसान पर भी बहुत मार पड़ रही है, आम आदमी पर मार पड़ रही है और खासतौर पे जो हरियाणा सरकार है इसने भी जो वेट डबल से ज़्यादा कर दिया हमारे समय में, तो कम से कम हरियाणा सरकार को तो अपनी वो बढ़ाया हुआ वेट वापस लेना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिले। तो क्या लगता है कि टोल टैक्स बंद है, कहीं उसका पैसा भी इसमें जोड़ किया, ऐड ऑन किया जा रहा है? ये तो जो बताया ना, जब ये वेट ही डबल से ज़्यादा कर दिया हरियाणा सरकार को, टोल टैक्स हरियाणा सरकार को थोड़ा मिलता था, लेकिन इसको कमाई का साधन ना बना के लोगों को राहत देनी चाहिए ताकि किसान को कुछ राहत मिले और इसकी वजह से जितनी इसके दाम बढ़ रहे हैं, खाद की भी कीमत बढ़ेगी, पेस्टिसाइड्स की भी बढ़ेगी,